शेड्यूल से, मैं केरला से आया है, हम लोग पूरा केरला से आया है। 21 मार्च तक हम उधर से निकला है, 22 मार्च को इधर चेन्नई में आ गया। तो आके वो कर्पोजरी था, पूरा बंद था। मैं सोचा, हम लोग सोचा है, हम लोग रात को 12 बजे ट्रेन मिलता है, वो ट्रेन में चला जाएगा हावड़ा जाने के लिए। तो इधर आके तो पूरा एक दिन में पूरा बंद कर दिया है। हम लोगों के पास जितना पैसा था, पूरा पैसा ख़त्म हो रहा है। हम लोग अभी लॉज में हूँ। तो सरकार बोलता है इधर का बंदोबस्त किया है, कैंप बंदोबस्त किया है, हम लोग कैंप पे नहीं जाएगा। सरकार बोलता है एक पूरा आदमी एक साथ में नहीं रहने के लिए बोलते हैं, फिर हम लोग को कैंप पे क्यों भेजता है समझ में नहीं आता है। हम लोग के पास अभी पैसा नहीं है, जितना पैसा था आज 9-10 दिन हो गया इधर ही हम लोग है। अभी हम लोग को होटल का भी भाड़ा देना पड़ता है, फिर खाना भी नहीं मिलता है, फिर छुपा के खाना मिलता था। हम लोग के पास पैसा भी नहीं है, अभी किसी के पास 50 रुपया है, किसी के पास 20 रुपया है, किसी के पास नहीं है। हम लोग बहुत मुश्किल में फंस गए। हम लोग को एक रिक्वेस्ट है, हम लोग को कलकत्ता वापस लेके जाएगा तो बहुत अच्छा है। कलकत्ता से हम लोग को बर्धमान डिस्ट्रिक्ट है, कितना दूर पड़ता है उधर से ट्रेन में 2-3 घंटा जाएगा तो बर्धमान चला जाएगा, ढाई घंटा। तो हम लोग को घर पहुँचाने के लिए कोई बंदोबस्त कीजिए। नहीं, कौन सा काम के लिए आप लोग आए इधर? हम लोग इधर कोई सिलाई का काम पे लिए आया, कोई मजदूरी के लिए कर, दूसरा काम पे लिए आया है पूरा। नहीं, अभी कितना साल से इधर है? कितना साल से बोलो, केरला में हम लोग कोई आदमी 6 साल, कोई भी 5 साल, कोई भी 1 महीना 2 महीना ऐसा हम लोग रोजी रोजगार कमाने के लिए आया था। तो आके तो पूरा फंस गया। नहीं, सबका शादी हो गया? बच्चा भी है, छोटा छोटा बच्चा है, रोता है। हम लोग को गाँव जाने के लिए थोड़ा बंदोबस्त करेगा तो बहुत अच्छा है। बच्चा लोग, छोटे छोटे बच्चे है, वो लोग भी रोता है। नहीं, सरकार के पास इन्फॉर्मेशन दे दिया, वो कैंप में क्यों आप जाना नहीं चाहता? क्योंकि सरकार बोलता है एक साथ में पूरा आदमी नहीं रहने के लिए, फिर हम लोग को कैंप में लेके जाके एक साथ में रखते हैं। एक रूम में 20 आदमी, 10 आदमी, 50 आदमी ऐसा डालते हैं। तो हम लोग को कोई फिक्र नहीं है सरकार लोग को, हम लोग को क्यों कैंप में डालना चाहता है। अगर ऐसा ही हो तो, ऐसा ही होगा तो पूरा आदमी निकलने दो, अपने को लिए एक ट्रेन दे दो, ट्रेन देगा तो हम लोग बहुत मेहरबानी होगा। हम लोग को राज्यों में लेकर जाने के लिए बंदोबस्त कीजिए। हम लोग के पास कोई भी पैसा नहीं है, सुबह से बिस्किट खाया, कोई भी पानी पीका है, हम लोग के पास पैसा नहीं है, कुछ सामान भी नहीं मिलते, बाहर भी नहीं निकल सकते, पुलिस भी मरता है, बहुत मुसीबत में है हम लोग। ठीक है, पीछे महिला भी खड़ा है, ये लोग भी आपका साथ आया? नहीं सर, हम लोग सर मालदा से आए हैं, सब बंगाल का, डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है। हाँ, तो हम लोग को एक रिक्वेस्ट है, हम लोग को गाँव जाने के लिए, अभी तो कुछ पैसा भी नहीं है, थोड़ा पैसा दे के कुछ खाने का बंदोबस्त कीजिए। हम लोग को अकाउंट भी नंबर देगा। और पहले एक बात है, हम लोग को गाँव जाने का, हम लोग को उधर अपना अपना घर में पहुंचने के लिए बंदोबस्त करेगा तो बहुत अच्छा है। पूरा कलकत्ता वाला है, पूरा बंगाल वाला डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है, अलग अलग है। हम लोग बर्धमान डिस्ट्रिक्ट का है, इधर है, मालदा वाला है, सारा आदमी बर्धमान डिस्ट्रिक्ट का है, कोई भी आदमी मालदा का है, ऐसा है। ठीक है, खाना का अलावा क्या प्रॉब्लम है इधर? इधर 14 दिन का रहना पड़ेगा, फिर क्या प्रॉब्लम? 14 दिन कैसे रहेगा, हम लोग के पास पैसा नहीं है, किधर रहेगा? मतलब जो रहता है इधर को भी पैसा देना पड़ता है। हम लोग किधर रोड में जाएगा तो पुलिस मरता है, किधर जाएगा? हम लोग कैंप पे नहीं जाएगा, हम लोग गांव जाना चाहता है। हम लोग को गाँव जाने के लिए बंदोबस्त कीजिए। अभी हम लोग ट्रेन में आया है, अभी तक टिकट कैंसिल करने के लिए गया, वो बोलता है तो टिकट कैंसिल नहीं होगा, जब ट्रेन जाएगा वही टिकट में जाता है। हम लोग के पास बिल्कुल पैसा नहीं है। तो अभी भी 14 दिन जो लॉकडाउन किया है, तो ये 14 दिन में हम लोग क्या खाएगा मालूम नहीं है। तो हम लोग को अकाउंट नंबर देगा, हम लोग को थोड़ा थोड़ा हेल्प करेगा तो बहुत अच्छा होगा। हम लोग इधर भी अच्छे से रह सकते हैं, खाना वाना पीने का भी बंदोबस्त करेगा तो बहुत अच्छा होगा। यही रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिए हम लोगों के लिए। आदरी हल्दा, कहाँ से आया? से मालदा से आया, कलकत्ता से। तो कौन सा काम के लिए आया? मालदा से। नहीं, मालदा से आया, कहाँ, कौन सा काम? काम काम से नहीं आया, हम डॉक्टर देखा आया। और डॉक्टर का देखने के लिए आया? ओहो, डॉक्टर देखा आया तो ट्रेन कैंसिल हो गया। तो कौन सा हॉस्पिटल में गया?
शंकर नेत्र आपके लिए देखने के लिए आया। ओह अभी अपॉइंटमेंट सब कैंसिल हो गया। सब कैंसिल हो गया। फिर अभी घर जाना चाहता है। हाँ। वो 14 अभी 14 तक गाड़ी नहीं है, फिर क्या करेगा अभी? तो खाना पीना का हमको पैसा भी नहीं है। पैसा वैसा कुछ भी नहीं है, खाना पीने का, खाना पीना, रहने का, जाएगा रहने के भी। आप कहाँ? वेस्ट बंगाल में कहाँ रहा? मालदा, इंग्लिश बाजार मालदा। हम लोग सर इंग्लिश बाजार मालदा इंग्लिश बाजार से सर आए हैं यहाँ डॉक्टर चेन्नई में सर डॉक्टर दिखाने चेन्नई शंकर नेत्रालय में। हमारा सर डॉक्टर तो 14 दिखाना हो गया, लेकिन 23 तारीख को सर हमारा ट्रेन का टिकट था वो कंफर्म था, वो कैंसिल हो गया। अब सर हमारे पास पैसा वैसा कुछ भी नहीं है, हम खाएंगे क्या पियेंगे क्या यहाँ तो? अगर हम बाहर से निकलेंगे तो पुलिस मारते हैं, और नहीं तो हम कोरोना से भी मर जाएंगे और खाने पीने की वजह से भी मर जाएंगे। आपको अगर चेन्नई गवर्नमेंट से अगर थोड़ा हेल्प कीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा। हमारे पास 14 जो रहेंगे 14 का तो पैसा भी नहीं है, हम कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे पियेंगे? इतने लोग हैं हमारे पास, थोड़ा सा चेन्नई गवर्नमेंट सरकार को हमारा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा हमारी तरफ से हेल्प कीजिए, नहीं तो हमसे भी ऐसे भी खाने पीने की वजह से मर जाएंगे, वैसे भी मर जाएंगे। आप शंकर नेत्रालय से फ़ोन किया मदद करने के लिए? आप उसका हॉस्पिटल के लिए आया? हाँ। पैसा दे के आया? पैसा तो लेते ना वो लोग? हाँ, वो लोग तो पैसा लेते हैं। फिर क्यों आप मदद नहीं ले सकता? चेन्नई शंकर नेत्रालय से हमारा डॉक्टर दिखाना हो गया। हाँ। उसके बाद ही सब हम यहाँ 23 तारीख को हमारा टिकट कंफर्म था। हाँ। तो वो कैंसिल हो गया, उसके बाद ही सब हम अटक गए हैं। हॉस्पिटल का फिर दोबारा फ़ोन नहीं किया आप लोग ना मदद के लिए? वो तो मुझे मालूम नहीं है हॉस्पिटल से हेल्प करता है या नहीं, मुझे तो मालूम नहीं था। यहाँ तो कोई हेल्प नहीं करता है, हम लोग वैसे ही 15 से यहीं रुके हैं, धार मार करके सब रुके हैं। हम बहुत गरीब आदमी हैं। ममता दी की सर रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ सर कोई जान बहन कुछ भेजे हम लोग के घर पहुँचाने के लिए। अगर ऐसे भी लॉकडाउन के लिए अगर नहीं होते तो हमारे पास सर पैसा भेजिए जो हम सब रह सकते हैं, नहीं तो हम अगर हम बाहर निकलेंगे तो कोरोना से छुआ छुप ऐसे हम ऐसे भी मर जाएंगे, और खाने पीने का वैसे भी नहीं है, वैसे भी मर जाएंगे। हमारा अकाउंट नंबर लीजिए प्लीज़, हमको हेल्प कीजिए। अकाउंट नंबर है 06780102810010। IFC कोड नंबर है UTBIONET082। हमारा ब्रांच है रातबाड़ी मालदा इंग्लिश बाजार, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। देखिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि बंगाल सरकार जल्द से जल्द इन लोगों को घर पहुंचाने का व्यवस्था कीजिए, क्योंकि इन लोग के पास हम लोग के पास पूरा पैसा खत्म हो चुका है, खाने पीने का कुछ नहीं है। लॉज का भी भाड़ा मांगता है एक एक आदमी का 150 रुपये करके, फिर भी हम लोग के पास पैसा नहीं है। कैसा भी करके चला लिया आज तक, अभी और लॉकडाउन ज़्यादा बढ़ाएगा तो हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे। इसलिए बंगाल सरकार के रिक्वेस्ट है, हम लोग को गाड़ी देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जल्द से जल्द हम लोग को घर पहुँचाने का, हमारे राज्य में घर पहुँचाने के लिए व्यवस्था, गाड़ी का व्यवस्था करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये लोगों को रुकने में हमको कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं होटल का मालिक नहीं है, मैनेजर हूँ, मालिक लोग इधर कोई नहीं है। हमको ये लोगों का रेंट जब तक रहता है उस टाइम तक हमको मानता है, रखने में हमको कोई मुश्किल नहीं। 14 तक हम रखेगा, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हमको उस टाइम तक रेंट बराबर मिलना मानता है, क्योंकि हम मालिक नहीं है, हम मैनेजर है, हमारा भी पगार वाला है हमें कमरा। ये लोगों को अभी 3-4 रूम है, एकदम 4 रूम है, 4 रूम है। एक एक कमरा का क्या आप किराया लेता आप लोग? एक रूम में 4 आदमी है, 1 रूम में 3 आदमी है, 1 रूम में 3 आदमी है, 1 आदमी का 150 रुपया है, 150 रुपया, 150 रुपया 1 आदमी का रेंट है, वो हिसाब से हमको मिलना मन है। कितना दिन से ये लोग रुक रहा? ये लोग 22 तारीख से, 22 तारीख से। हाँ, उसमें 2 रूम, 1 रूम है, 2 आदमी है त्रिपुरा का। हाँ। वो लोग आपसे बात नहीं किया, त्रिपुरा वाला है वो बंगाल कलकत्ता का नहीं है। खाना पीना का इनका व्यवस्था हो रहा? खाना पीना वो लोग कैसे बेलते हैं हमको नहीं मालूम, वो बाहर से खाना लेके आता है, खाता है अभी तक। कल वो लोग का पास पैसा है नहीं है वो हमें नहीं मालूम। मेरे को पैसा अभी एक दो दिन का अभी बाकी है देने का। पैसा देगा तो देने के लिए मुश्किल है। मैं बोलता है पैसा रहेगा हमको देरी, पैसा देगा हमारा नौकर निकल जाएगा। हमको हमारा अरबा बोला बॉस बोला हुआ है, तुम लोग उसका पास किसी को रखेगा, पैसा है तो रखो, नहीं है तो भेज दो बोलता है। इसलिए मैं क्या करेगा, मैं मजबूरी हूँ।
मेरा नाम कयूम अंसारी है और हम केरला में आए हैं लेबर का काम करने के लिए आए हैं। लेकिन कौन सा लेबर का काम करने के लिए? घर जो बिल्डिंग वगैरह का जो काम होता है ये सब काम करता हूँ, हम लोग करता हूँ। नहीं, लास्ट में कहाँ, केरला में कहाँ काम किया? केरला में काम किया, कालीकट में काम किया हम लोग। कालीकट में? कालीकट में उधर से 21 दिवस में इधर आया, 22 का आया, इधर आया है। इधर आने के बाद ट्रेन हम लोग के लिए बंद हो गया है, कोई हम लोग का खाने पीने का व्यवस्था नहीं है। हमारा बिहार सरकार से निवेदन है कि हम लोग के लिए कुछ खाने पीने का व्यवस्था वहाँ से भी करे और ट्रेन के लिए भी करे। और हम अपना अकाउंट नंबर देता हूँ, हमारे अकाउंट नंबर में पैसा वो डाले तब तक मैं अपना ज़िंदगी जी सकता हूँ, नहीं तो हम लोग अभी मर सकता हूँ। हम लोग जीने के लिए कोई सहारा नहीं है। हमारा अकाउंट नंबर है 3889806634। कयूम अंसारी मेरा नाम है। जितना जल्दी हो सके मेरे अकाउंट में पैसा डालिए तब हम लोग खा सकते रह सकते हैं। कौन सा बैंक है? मेरा बैंक है SBI का है। SBI कौन सा ब्रांच है? ब्रांच मेरा झाझा का है। दोबारा अकाउंट नंबर बोलो। 3889806634। आपका मोबाइल नंबर बोल लो। मोबाइल नंबर है 7261055669। वसीम अकरम सर। कहाँ से आया? मैं त्रिपुरा अगरतला से आया। मेरा जिला सिवा जिला सुनामुंडा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। मैं चेन्नई में काम करने के लिए आया। कौन सा काम करने के लिए आया? ये तो गेस्ट हाउस में होटल में काम करता हूँ। क्या काम? वेटर का काम करता हूँ। हाँ। मेरा अभी होटल बंद हो गया, मालिक घर निकल गया, मेरा को बोल रहे तुम घर जाओ। मैं टिकट ले आया, फिर मेरा टिकट कैंसिल हो गया, फिर मैं इधर फंस गया। अभी मेरे को घर जाने का है, बस इतने है। खाने का पैसा भी नहीं है, रहने का जगह भी नहीं है, मेरे को घर जाने का बस इतने। क्या नाम है आपका? मेरा वसीम अकरम। अकाउंट नंबर है कुछ? अकाउंट नंबर नहीं है मेरा। फिर कैसा पैसा आपको देगा सरकार? अगर सरकार को हेल्प करेगा तो मेरा दूसरा अंकल का अकाउंट नंबर है, उसमें हेल्प कर सकते हैं। ठीक। अभी मेरा सरकार का इतने रिक्वेस्ट है मेरे को घर जाने का, बस मेरा पास 1 रुपये भी आज नहीं है। हम चेन्नई में बहुत साल से काम कर रहे हैं, अभी चेन्नई में खाने के भी जगह नहीं है, रहने का जगह नहीं, हम किधर जाएगा खाने में? दिल चेन्नई में कितने साल से काम कर रहा है? मैं चेन्नई में अभी 6 साल काम कर रहा है। अभी एक होटल बंद है, मालिक घर गया, मेरे को जगह नहीं मिल रहा है। होटल का नाम क्या? होटल का नाम शांति भवन गेस्ट हाउस है। वो बंद कर दिया है? वो बंद हो गया पूरा। अभी रिक्वेस्ट है मेरे को घर जाने का, खाने का कुछ व्यवस्था करने का, बस इतना ही। मेरा नाम सतबीर शेख है, मैं कलकत्ता का रहने वाला हूँ। केरला से काम कर रहा था, टिकट मिला हम लोगों को कि इधर टिकट मिला जो जाने के लिए, तो अचानक इधर संडे में हम लोग आए तो अचानक टिकट कैंसिल हो गया हमारा। और हमको बोले पुलिस कि रात को 9 बजे टिकट ट्रेन चालू हो जाएगा, तो फिर शाम को 6 बजे बोले ट्रेन चालू नहीं होगा, तुम लोग क्या करना करो। ठीक है, हम लोग 9 दिन से इधर बैठा है, हमारे पास खाने के लिए पैसा भी ख़त्म हो गया है। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि हम लोग खाने का और रहने का थोड़ा बंदोबस्त करें, हम लोग बहुत परेशान हैं। और हम खास करके हम लोग को गांव जाने का बंदोबस्त करें, क्योंकि बहुत तकलीफ है। हम लोग इधर बहुत सारे हैं, अभी तो इधर 10-20 आदमी आए, पूरा होटल में हमारा आदमी पूरा भरा है। और इधर से साइड में उधर और थोड़ा 10 मिनट दूर जाओगे उधर भी बहुत सारा आदमी है। मतलब इधर कितना लोग पड़ा? हम लोग इधर कम से कम 80-90 आदमी है इधर। ठीक है, और इसके बाद उधर स्टेशन के उधर है, उधर में कम से कम 100 आदमी है उधर। हम लोग पूरा फंसे पड़े हैं। हमारे से सरकार से गुजारिश है कुछ हमारे लिए कुछ करे, बस या ट्रेन कुछ भी करके हमको इधर से कलकत्ता लेके जाए, मेरी यही गुजारिश है। क्या नाम है आपका? सतबीर शेख। आपका फ़ोन नंबर बोल दो। फ़ोन नंबर 9746831251। ठीक है।